वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। और हम आ गए हैं एक नई जगह, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो राहुल बताएंगे कहाँ हैं हम। बेसिकली इस प्लेस का नाम हिस्टोरिक मार्केट प्लेस है, जो कि सैन एंटोनियो डाउनटाउन के पास है। और जहाँ तक अभी हम घूमने के बाद हमें ये पता चल रहा है इस मार्केट में कि ये मैक्सिकन काइंड ऑफ मार्केट है। यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं उसमें मैक्सिकन आइटम मिल रहे हैं। एग्जाम्पल मैक्सिकन कपड़े, मैक्सिकन हैंड क्राफ्टेड आइटम, उसके साथ साथ शूज, यस अंदर है डिफरेंट ऑल द मैक्सिकन वाट एवर मूवी हम लोग देखते हैं ना, मैक्सिकन लोग पहनते हैं, उस टाइप के सारे शॉप्स हैं जिसमें चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मैक्सिकन फूड, वहाँ जितने भी सारे रोड साइड ऑफ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है यहाँ पे, जिससे मैक्सिकन सारे फूड मिलते हैं। तो अगर आपको मैक्सिकन रियल मैक्सिकन फूड ट्राई करना है और या देखना है तो हमारे वीडियो में ट्यून रहें और चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर क्या। सो गाइस, हम आ गए अंदर। आप देख सकते हैं कि कितने सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो बिल्कुल फूड स्टॉल्स देख मुझे इंडियन फूड्स की याद आ रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है। वो काउबॉय, नाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने कलरफुल यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपको हैट्स दिख रहे होंगे, बैग्स दिख रहे होंगे। और ये यहाँ पे मार्केट स्क्वायर के लिए वेलकम का वो पोर्टल वो बना हुआ है। और हम अंदर चलते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं और सब ने मास्क पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। मास्क इज़ द न्यू नॉर्मल, उसको देखते हुए हम बिल्कुल इन्जॉय कर रहे थे। इसका वाइब बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा लगा कि इंडियन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा था मैक्सिकन चीज़। सो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको भी ऐसा लगता है। जैसे आप यहाँ पे ईयरिंग्स ही देख सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ही इंडियनिश लग रहा था। तो आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा था। ओके राहुल को ये थोड़ा सा पसंद आया है, बट ये थोड़ा सा ये टूट जाने वाला है। पता नहीं, शायद अगर हम लेके जाएंगे तो टूट सकता है। इस तरीके से आप अपने घर का नंबर बाहर नेम प्लेट पे लगा सकते हैं। और आपको कैसा अच्छा लग रहा है? देखने पता चलेगा ना क्या चीज़ें हैं। सारे मैक्सिकन डिजाइन बना रखे हैं। बट मैक्सिकन की एक खासियत है, मैं अभी बता रही थी सबको, कि ये इंडियन की तरह सारी चीज़ें होती हैं। हाउ मच फॉर दिस? $11 का है ये।
देखा रिवर वॉक का कितना कुछ मिल रहा था यहाँ पे। और ये आप देखिए इस तरीके से बटन्स बने और बटन्स ब्यूटीफुल फेसेस बने, इतना क्यूट लग रहा था ये मुझे। आप जरूर बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय डैड। बेसिकली मैक्सिकन जो चीज़ें थे काउबॉयज हैट शूज इसके लिए पॉपुलर हैं, इसके बिना तो इनका मार्केट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और मैं देखें मैं बिल्कुल इधर उधर कुछ ढूंढ रही हूँ कुछ मुझे अच्छा मिल जाए। और खाने की भी चीज़ें बिल्कुल इंडियन जैसी लग रही थी, सो पूरी जैसी, तो बहुत क्यूट लगा मुझे। और ये है यहाँ का मार्केट जो मैंने आपको और चीज़ें भी दिखाया। सो इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको दिखाने की कोशिश की कि मैक्सिकन मार्केट्स कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। सो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे। मैंने अपने व्यूज़ इस वीडियो में शेयर किए, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अमेरिका से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग। बाय गाइस।